नमस्कार, धर्म ज्ञान की खास पेशकश दैनिक राशिफल में हमारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। सर, एक बार फिर आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो 5 फरवरी साल 2020, जी हाँ, बुधवार, यानी कि आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है? राशि अनुसार जानेंगे कि आखिरकार आज आपका दैनिक राशिफल क्या कहता है, किन लोगों को कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी, धन धान्य में किन लोगों की वृद्धि होगी और किन लोगों को मिलेगा अपना प्यार। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले कि आखिरकार आज क्या कहता है पंचांग। विक्रम संवत 2076 साकी 1941 हिजरी सन 1440-41 चल रहा है। आज के दिन सूर्योदय जो है, आपको मैं बता देना चाहूँगा, सूर्योदय आज 5 तारीख को 6:31 पर सूर्योदय है और सूर्यास्त जो है 5:29 पर है। ग्रह की जो स्थिति बनी हुई है आज के दिन, एकादशी जो है रात्रि में 5:56 तक है, उसके बाद द्वादशी हो जाएगा। मृगशिरा नक्षत्र जो है वह रात्रि में 10:41 तक है। वैधृति योग है और आज जो है भकरण है। इसी के साथ जो है आज का जो दिन है, आज का जो समय है, वह काफ़ी बना हुआ है। अगर हम लोग बात करें ग्रह की स्थिति के लिए, सूर्य जो है वो मकर राशि में बैठे हुए हैं, शुक्र और बुध जो है आपके कुंभ राशि में बैठे हुए हैं और चंद्रमा जो है आज के दिन आपके मिथुन राशि में विराजमान है। राहु जो है आपके छठे स्थान में विराजमान है। मंगल जो है आपके वृश्चिक में है और धनु में गुरु, शनि और केतु विराजमान है। आज की ग्रह स्थिति यही बता रही है। आज के दिन जो है चौघड़िया जो है, आज के दिन प्रातःकालीन 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक आपका लाभ का पीरियड है। 7:30 बजे से लेकर आप देखें 9 बजे तक अमृत काल है। इस काल में आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। इसके साथ आज के दिन जो है 9 बजे से लेकर 10:30 बजे का जो समय है, यह काल वाला पीरियड है जो शुभ नहीं माना जाता है। इसके बाद 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो पीरियड है, यह शुभ का पीरियड है और 12:00 बजे से लेकर 1:30 बजे का जो पीरियड है वह रोग वाला पीरियड है और 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक का उद्वेग का पीरियड है और 3:00 बजे से लेकर 4:30 बजे का जो पीरियड है चर का है, जो आप करेंगे वो यथावत बना रहेगा, यह भी पीरियड अच्छा होता है। और 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो है, इसमें अगर आप कोई काम करेंगे तो ये लाभ वाला पीरियड बना हुआ है। और आज के दिन जो राहु काल की जो स्थिति है वो दिन में 12:00 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। आज का दिन जो है शाम का जो समय है 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो पीरियड है, इसमें थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है। आज के दिन दिशाशूल जो है ईशान कोण में और उत्तर दिशा में है। चलिए, ये तो आपने जान लिया कि आखिरकार क्या कहता है आज का पंचांग। और आइए फटाफट जान लेते हैं कि राशि अनुसार क्या कहता है आपका दैनिक राशिफल। और शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन काफी बेहतर बना हुआ है। आपके राशि के स्वामी अष्टम स्थान में है, खासकर आज देखेंगे आपके भाग्य स्थान में भी देवगुरु विराजमान है। आज आपके भाग्य के सहयोग से आपके जो भी काम रुके हुए हैं वह बनते हुए नजर आएंगे। समय उन्नति वाला है, वृद्धि वाला है। चलिए, ये तो बात हो गई मेष राशि की। और अब आइए जानते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन अनुकूलता वाला है, वृद्धि वाला बना हुआ है। आज के दिन लाभ के योग बने हुए हैं। पिता और माता के सेहत को लेकर थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। चलिए, अब जानते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन सुगम, शुद्ध, सुंदर और उत्तम बना हुआ है। आज आपके व्यक्तित्व और कृतित्व में निखार आएगा, आप बेहतर करेंगे आज। अब कर्क राशि वालों के लिए आज कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन बेहतर बना हुआ है। आज के दिन आपको लाभ के योग बनेंगे, भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा, रुके हुए धन में लाभ के योग है, मिलने के योग है। व्यापारी वर्ग और छात्र वर्ग को भी अनुकूलता के योग बने हुए हैं। शांति के साथ आगे बढ़ें। जानते हैं कि आज के दिन सिंह राशि वालों की जिंदगी में कितनी पॉजिटिविटी आने वाली है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन जो है मिला जुला हुआ है। कार्य क्षेत्र में आप बेहतर करेंगे, लेकिन
आपके सातवें स्थान में शनि ट्रांजिट कर रहे हैं तो वाहन आदि थोड़े से संभल के चला, दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बना रहे, खासकर ज्वाइंट वेंचर में साझेदारी के कार्यों में भी संभल कर आगे बढ़ने की जरूरत है। चलिए सिंह के बाद अब जानते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कितना भाग्यशाली रहने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन लाभप्रद बना हुआ है। बुध जो है एकादश स्थान में बैठे हुए हैं, समय उन्नति वाला है, वृद्धि वाला है, भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। आप अपने आप को बेहतर करने के लिए आगे बढ़ेंगे, संभल कर आगे बढ़े। चलिए अब जान लेते हैं फटाफट कि तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा जाने वाला है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन खासकर आपके मान सम्मान वाला दिवस साबित होगा। आज आपके अपने लोगों से मुलाकात हो सकती है, कार्यों को लेकर आप आगे बढ़ेंगे। खासकर आज अगर आप बैंक से संबंधित या विदेश से संबंधित कोई काम कर रहे हैं या पहले से अटका हुआ है तो उसको पूर्ण होने की संभावना है। चलिए तो बात हुई तुला राशि की, और आइए अब जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज के दिन थोड़ा सा आंख पे ध्यान देने की जरूरत है। आपके आंख में चोट लगने की संभावना है, या आप वाहन चलाएं तो हेलमेट लगाकर जरूर चलाएं, अन्यथा चोट चपेट की आशंका बनी हुई है। लाभ के दृष्टिकोण से समय उन्नति वाला है। थोड़ा परिजनों के कारण और खासकर आपके गोतियों के कारण थोड़ी मानसिक परेशानियां हो सकती हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। समय सभी जख्मों को भर देता है, आप बेहतर करेंगे, आगे बढ़ें। चलिए जैसे कि देवे के डॉक्टर शिवाजी त्रिपाठी जी ने बताया वृश्चिक राशि वालों की राशि में आज थोड़ी बहुत चोट चपाट के योग हैं, जिसके चलते आपको सावधानी बरतनी चाहिए। और इसी के साथ अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन बेहतर बना हुआ है। आप अपने आप को परिधानों के पीछे लेके जाएंगे, अर्थात नए वस्त्र की खरीदारी कर सकते हैं। अपने शरीर को, अपने चेहरे को सुंदर दिखाने के लिए ब्यूटिक प्रोडक्ट ले सकते हैं। समय उन्नति वाला, सुखद है। आज आप भोजन अच्छा करेंगे, समय सुख सुविधाओं में आज का दिन रहने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो धनु राशि वाले आज काफी शॉपिंग करने वाले हैं। जी चलिए आइए अब जान लेते हैं कि मकर राशि वालों का आज का दिन कैसा जाएगा। मकर राशि वालों के लिए अनुकूलता वाला है। आज आप वाहन आदि खरीद सकते हैं या इसकी योजना बना सकते हैं। थोड़ा जिद कम करें, जिद के कारण परिवार में थोड़ा बुरा असर पड़ेगा। आप खुलकर बात करें, एक दूसरे से बात करें, दाम्पत्य संबंधों में खासकर मधुरता बनाए रखें और वाणी में स्पष्टता रखें। चलिए तो बात हुई मकर राशि की, और अब आइए जान लेते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। कुंभ राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से सबलता में प्रबलता वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण में इजाफा होने वाला है। कार्यों को लेकर आप आगे बढ़े, अधिकारियों से प्रयास करें कि मधुर संबंध रहे और आप अपने कार्यों को ससमय पूरा करके देने का प्रयास करें। चलिए इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने अंतिम राशि मीन राशि पर। मीन राशि वालों के लिए समय वृद्धि वाला है। आज के दिन आप अपने आप को कार्यों में तल्लीन रखें, अकारण जो है समय जो है घर पर न दे, अन्यथा थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। शरीर को काम में लगाएं, आप थोड़े आराम तल भी ज्यादा होते जा रहे हैं। तो ये तो हमने देवे के डॉक्टर शिवपति त्रिपाठी जी से जाना है कि आज का आपका राशिफल यानी कि आपका दैनिक राशिफल क्या कहता है, आज आपको क्या कुछ मिलने वाला है 12 राशियों अनुसार। ये तो आपने जान लिया कि आज का दिन आपका कैसा बीतेगा। आइए फटाफट जान लेते हैं आज यानी कि 5 फरवरी साल 2020 में जन्मे लोगों बच्चों का भविष्य क्या कहता है। आज जो बच्चे जन्म लेंगे वो मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेंगे। आज जो बच्चे जन्म लेंगे वो माता पिता के लिए काफ़ी भाग्यशाली होते हैं। इनके अपने पुरुषत्व से इनका अपना व्यक्तित्व बड़ा होता है। ऐसे बच्चे काफ़ी अच्छा होते हैं, बचपन में थोड़ा सा रुगण रहते हैं लेकिन भविष्य इनका सुंदर रहता है। चलिए अब बात करते हैं हम कि आखिरकार आज आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। जी अगर आपको अनजाने में या किसी भी प्रकार से कोई परेशानियां बनी हुई हैं, या आपको चोट चपेट लग जा रहा है, या खासकर आप देखते हैं काम करते हैं लेकिन काम बन नहीं रहा है और आप परेशान हैं, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मंगलवार के दिन गेहूं और गुड़ लेकर आप मंगल के मंत्र को ओम अंग अंगारकाय नमः लेकर हाथ में उंजली में लेकर आप उसको 8 बार पढ़ें, और संभव हो तो आप गाय को जाकर अपने हाथों से खिलाएं। आप देखेंगे कि आपके रुके हुए कार्य जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे।
वैसे तो कर्म ही सर्वप्रथम होता है, कहते हैं कि जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आपके भाग्य में लिखा हुआ आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन इसी के साथ जैसे कि हमारे धर्म ज्ञान के इस खास पेशकश दैनिक राशिफल में हम आपको बताते हैं राशि अनुसार आज आपका दिन कैसा जा सकता है, एक संभावना है आपके भविष्य के बारे में। लेकिन आइए अब हम जान लेते हैं कि आखिरकार आज किन राशियों का दिन शुभ जाने वाला है। आज जो है धनु राशि वालों के लिए और खासकर वृषभ राशि वालों के लिए काफी बेहतर समय जाने वाला है। ऐसे लोग काफी बेहतर करेंगे, समय इन लोगों के लिए सुखद रहने वाला है। और अब ये तो जान लिया कि किन राशियों के लिए आज का दिन शुभ जाएगा, लेकिन साथ ही ये भी जान लेते हैं कि किन राशियों को आज थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए खासकर संभलने की जरूरत है। आप जो है घर हो या बाहर हो, कहीं भी शांति के साथ और जल्दीबाजी में काम न करें, उत्तेजना के कारण आपका कार्य जो है बाधित हो सकता है, संभल कर रहे। चलिए इसी के साथ मुझे और श्रीपति देवज्ञ डॉक्टर त्रिपाठी जी को दीजिए इजाजत। लेकिन जाते जाते एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि अगर आपके भी ज्योतिष विद्या से संबंधित, आपकी कुंडली से संबंधित कोई भी समस्या है, जीवन में कोई परेशानी है जिसका समाधान आप स्वयं देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी से जानना चाहते हैं, तो बेझिझक स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल कविता जी, कई दर्शक कॉल करते हैं और कॉल लगाकर बोलते हैं कि आप मुझे बता दीजिए, तो आप देखेंगे कि यह टेलीविजन का कार्यक्रम नहीं है। जब मान लीजिए कि आपका पुत्र डॉक्टर है या आपके पुत्र बैंक में है, तो आप बैंक में जाएंगे और उनको बोलेंगे कि नहीं आप हमको बताइए मेरा कितना अकाउंट में कितना पैसा है, मुझे कौन सा रोग है। तो बड़े डॉक्टर होने के बावजूद भी वो एक्सरे कराते हैं, वो आपका अकाउंट नंबर मांगते हैं। उसी प्रकार हमारा यह जो कार्यक्रम है या आप लोगों को बेहतर लाभ दे, इसके लिए गणना कराने के लिए आप लोगों से समय लेना होता है, क्योंकि जल्दीबाजी में आपको कोई देख नहीं रहा, समझ नहीं रहा, और आप जानना चाहते हैं कुछ भी बोल दीजिए, अगर उसमें कोई आपके बारे में कुछ निगेटिव बोल दिया, आपका आप भी परेशान हो गए, जीवन भी परेशान हो गया। तो थोड़ा समय दीजिए थोड़ा गणना करने के लिए, अगर आप लोगों को जरूरत है तो गणना कराकर तब लाभ लीजिए, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। यह कार्यक्रम जो है लाखों लोगों को भी लाभ दे चुका है। बिल्कुल, इसी के साथ जैसे कि त्रिपाठी जी ने बताया और मैं भी अपने दर्शकों को बता दूं कि धर्म ज्ञान से हमारा भी आपसे निवेदन है, अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप त्रिपाठी जी से उनके स्क्रीन पर देख रहे इस नंबर के जरिए उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।